ये देखो दोस्तों, वहाँ पे कहीं पीछे अपन ने गाड़ी रखी और यहाँ से होते हुए अपन ये पूरा ऐसे पैदल ट्रेक करके आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग के अगर शौकीन हो ना तो भाई साहब इस रास्ते पे आ सकते हो। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ऊपर से एक बार आपको नज़ारा दिखाएंगे पूरे जोधपुर का। तो दोस्तों अभी अपन लोग यहाँ पे सिद्धनाथ मंदिर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से अपने को जाना है नर्मदा माता जी के मंदिर। तो एक बार व्यू आप चेक करो, ये देखो दोस्तों। तो भाई साहब मैं नहीं, मेरे पीछे ये देख लो इतने सारे लोग रील देख के हैं, तो रील के चक्कर में नहीं पड़ने का, रील के चक्कर में हो जाता है धोखा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम द वे ऑफ जन्नत। तो स्वागत है आपका। और तभी हम लोग ये है दोस्तों हमारे जोधपुर का अनएक्सप्लोर्ड और सबसे प्यारा लोकेशन। अभी हम लोग हमारा प्रथम पुलिया जो है उससे थोड़ा सा आगे वन वर्ल्ड के पास में जो रास्ता जाता है कायलाना की तरफ, उधर की तरफ जा रहे हैं। और इस रास्ते की खूबसूरती देखना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऊपर आप देख सकते हो बढ़िया हल्की हल्की पहाड़ियाँ दिखने लग गई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ओला का गोला लेके, ओला का गोला आज टेस्ट करेंगे पहाड़ियों पर चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता है। अभी ये नॉर्मल मोड में ही चल रहा है, इसको स्पॉट और हाइपर मोड सब में टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये रास्ते की खूबसूरती देखो दोस्तों, अभी शाम के 5:15 हो रखे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और बारिश के अंदर देखो जो ग्रीनरी है ना, वो देखते ही बनती है। गजब भाई साहब गजब, हमारे जोधपुर का सबसे प्यारा और सबसे अनएक्सप्लोर्ड जो एरिया है वो ये है। आप जब भी जोधपुर की विजिट करने आते हो तो इस जगह को अपनी लिस्ट के अंदर ज़रूर कंसीडर करना, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों। रूट पे आप जब निकलोगे तो आपको यहाँ पे 2-3 जो जगहें हैं वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन सिद्धनाथ महादेव जो मंदिर है वो भी इसी रास्ते में है, और साथ में जो कायलाना का मनमोहक दृश्य है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देखोगे हल्की सी घाटी आएगी और वो घाटी भाई साहब जब चढ़ेंगे ना तो ज़बरदस्ती फीलिंग आएगा और आपको लगेगा नहीं कि आप जोधपुर में घूम रहे हो या माउंट आबू आ गए हो सच में। ये देखो ऊपर पहाड़। जो बाहर के लोग हैं उन्होंने कभी जोधपुर के बारे में ये सोचा भी नहीं होगा कि जोधपुर ऐसा हो सकता है। अभी देखिए शाम के टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आ रहे हैं और हम भी आए हैं। यहाँ से ये देख लो हल्की बहुत चढ़ाई है और घुमावदार रास्ता, जो कि अब ऊपर चलेंगे ना तो आपको दिखाएंगे कितना ज़बरदस्त है ये। ओला अभी भी हमारी नॉर्मल मोड में चल रही है, ये देखो। वाओ यहाँ से देखो, ओह माय गॉड गजब अद्भुत। अभी क्या है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से जो हरियाली है ना वो बहुत ही भयंकर दिख रही, बहुत ही भयंकर। वो जो देखो ऊपर चोटी पे छोटा सा गुंबद टाइप दिख रहा है ना, वो अपना सिद्धनाथ मंदिर है और ये पहाड़ियाँ इनके जस्ट पीछे ही। ठीक है, अपने को पता चली है सिद्धनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में, तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अभी रास्ता हम भी पहली बार आ रहे हैं इस रास्ते पे, मतलब सिद्धनाथ तो गए हुए हैं पर वो जो रास्ता है और वो जो जगह है ना वो अपने को आइडिया नहीं है। तो अभी चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे, बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है बिल्कुल। वहाँ पे दोस्तों वाटरफॉल मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो अपन चलते हैं सिद्धनाथ की तरफ ही और यहाँ से एक बार नज़र आप देखो। ओ भाई साहब ये अपना जोधपुर है। तो दोस्तों अभी अपन लोग यहाँ पे सिद्धनाथ मंदिर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से अपने को जाना है नर्मदा माता जी के मंदिर। तो एक बार व्यू आप चेक करो, ये देखो दोस्तों, ये अपनी कायलाना और कायलाना का बैक साइड है ये। और यहाँ से बता रहे थे कि यहाँ से ये ट्रैक करके अपने को जाना है
उधर कहीं पहाड़ियों की तरफ पैदल पैदल जाना है, वो जगह अपन एक्सप्लोर करने की आज कोशिश करेंगे। जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक आपको दिखाएंगे। तो ये जगह काफ़ी लोगों ने नहीं देखी है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। फिल्टर हाउस ऐसा लग रहा है, यहाँ से शायद पानी फिल्टर होकर ऊपर जाता होगा। ये देखो खूबसूरती कितनी गजब है यार इस जगह की। देखो ये देखो दोस्तों, वहाँ पे कहीं पीछे अपन ने गाड़ी रखी और यहाँ से होते हुए अपन ये पूरा ऐसे पैदल ट्रैक करके आगे जा रहे हैं। यहाँ पे गीला गीला है अभी। वापस से देखो आपको शायद कैमरे में शायद बूंदे दिख रही है ना, वापस से बारिश आ रही है अभी। ऐसे पत्थर हैं यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। और अभी ये पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं अपन, काला ना देख लो ये नीचे रह गई काफ़ी। और जब ये पूरी भरी रहती है ना तो दोस्तों यहाँ तक आती है पानी, यहाँ तक भरी रहती है ये। अभी तो बहुत ही खाली है, बहुत ही। रास्ता गजब है यार है भाई साहब। और इस ये किस चीज़ के पौधे हैं? जंगली है ना ये देखो। पतला सा ये छोटा सा रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। और यार शाम के टाइम में देखो कायलाना कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। दोस्त यहाँ से अपन यहाँ से चलना है, कहाँ से चलना है कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन हो गया बहुत बड़ा। यहाँ तक तो पहुँच चुके, ये देख लो वहाँ से आए थे और यहाँ तक तो पहुँच चुका है। अब यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, ये पैदल पैदल ट्रैक। वो पता नहीं, ऊपर मंदिर तो दिख रहा है, वो पता नहीं सिद्धनाथ मंदिर है कि पता नहीं वो है जो नर्मदा माता जी का मंदिर है, आइडिया नहीं है। तो अपन है ना कायलाना के जस्ट पास पास से ये छोटा सा रास्ता है, इससे जाने की कोशिश करते हैं। आगे से शायद बंद आ रहा है यार, गजब फंसाया आगे। मेरे को लग रहा है रास्ता भी नहीं है, ये देखो कहाँ से जाना पड़ रहा है कुछ फंसाई जो मती। और की कौन है, हम लोग ही भैंसा के पीछे पीछे आ गए और भैंसा खुद को ही पता नहीं है, बताओ क्या करें फंस गए। नहीं है आगे डेड एंड है भैया, कुछ नहीं है, वही है रास्ता, वही मंदिर वाला है, उसी चल के आते हैं यार। ऊपर तो अब नहीं जा पाए वो देखो। तो भाई साहब मैं नहीं, मेरे पीछे ये देख लो इतने सारे लोग रील देख के हैं, तो रील के चक्कर में नहीं पड़ने का, रील के चक्कर में हो जाता है धोखा। और ये देख लो अपने सारे लोग है ना रील के चक्कर में आए थे। अभी अपन ना जाना तो पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं अपन, ऊपर मंदिर है, अब कौन सा मंदिर आता है वो देखते हैं। पहुँची कैसे भाई साहब, ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च करेगा कौन? उमसा उमसा दी डॉन रिसर्च करेंगे यहाँ पे। ये रास्ता है और ये रास्ता भाई साहब सिद्धनाथ मंदिर की तरफ ही जाएगा। बैक साइड के रास्ते से अपन लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। ये देख लो ये रास्ता, ये मस्त खूबसूरत पहाड़ियाँ। जो माता जी का मंदिर देखने आए थे वो तो अभी नहीं मिला है, पर दूसरा रास्ता जो है इससे अपन जाएंगे ऊपर। तो ये भी अच्छा रास्ता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो ट्रैकिंग के अगर शौकीन हो ना तो भाई साहब इस रास्ते पे आ सकते हो। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ऊपर से एक बार आपको नज़ारा दिखाएंगे पूरे जोधपुर का। भाई साहब मंदिर मिला नहीं मिला, पर ये जो रास्ता मिला ना मज़ा आ गया सच में, सांस तो फूल गई। ऊपर देखो ये खूबसूरत पहाड़ी है यार, जोरदार। जोधपुर के अंदर कैंपिंग हो रही है, आइडिया नहीं अपने को। वो देखो कैंप लगे वहाँ पे यार, ये आइडिया नहीं अपने को। दो चार दिन पहले ये देखा था, ये फुली वाली रील देखी थी मैंने। अच्छा ये वाली, ये रास्ता कहाँ से, ये है कहाँ से रास्ता? वो टावर दिए नहीं। हाँ अच्छा ओके, छोटा सा रास्ता कटे रहा ठीक है। यहाँ से तो भाई साहब ये आ गया देखो मंदिर, अपने को मंदिर चाहिए था। और ये मंदिर है श्री नारायण स्वामी जी का प्रथम तपोस्थल है भैया, यार गजब शानदार जोरदार जोरदार। भाई साहब ये था मंदिर ऊपर और ये पूरा यहाँ का व्यू था, एक बार देख लो। ओ भाई साहब अभी अपन वापस चलते हैं नीचे। जो मंदिर अपन देखने आए थे वो मंदिर तो नहीं दिखा, पर ये वाला मंदिर था यहाँ पे। अभी वापस इस ट्रैक करके वापस नीचे उतरना पड़ेगा आपको। ये देखो बाकी जगह मज़ेदार थी भाई साहब, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे भी भाई साहब पत्थरों से बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा। हमें भी पता नहीं था भाई साहब, सच बताएं तो अपन भी पहली बार ही आए इस रास्ते से।
लड़के अभी भी वहाँ पे खड़े हैं ऊपर, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। बाकी एक बार नीचे उतरते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जगह खूबसूरत थी और ये ट्रैक भी बहुत ही प्यारा था। अगर आपको भी ट्रैकिंग पसंद है तो ऊपर एक मंदिर भी है, तो ट्रैकिंग पसंद है तो ये ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो। वहाँ देखो सिद्धनाथ मंदिर का रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है ना, वहाँ बाइक लगा दो अपनी बाइक कार जो भी है, और इस रास्ते से होते हुए वो वाला जो ये टंकी या फिल्टर हाउस जो भी है ये दिख रहा है, इसके पास पास ये छोटा सा पतला सा रास्ता आता है, इससे आप होते हुए अंदर तक जा सकते हो। और ऊपर की तरफ बढ़िया सा मंदिर बना हुआ ऊपर पहाड़ी पे, तो आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिएगा इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे ये देखो बबूल के पेड़ है ना, इनसे थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है मैंने बता ही दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।